गौरतलब है कि गत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरांत हरियाणा सरकार से अपनी संकट में पड़ी नौकरी को यथावत रखने की अनेकों माध्यमों से गुहार लगा चुके शारीरिक शिक्षकों ने अब आर पार की लड़ाई का रुख अपना लिया है। उनकी माने तो अंत तक संघर्ष व धर्म परिवर्तन तक की अवस्था तक भी वो जाने को तैयार हैं। इसी के साथ सरकार के वरिष्ठ नुमाइंदों पर भी जमकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। आदरणीय खट्टर साहब, मैं पंकज आर्य, पीटीआई 2010। आपको सरेआम कहना चाहता हूँ कि 2010 के 1983 पीटीआई संघर्षशील साथी हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि एक सीट आपकी खाली हो चुकी है, एक एमएलए मर चुका है। ये 2000 पीटीआई साथी 2000 नहीं है, हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे 10,000 की भीड़ जहाँ जहाँ आप इलेक्शन लड़ोगे, जहाँ जहाँ आपके नुमाइंदे जाएंगे। खट्टर साहब, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति थी, मोदी के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करता हूँ, जिंदगी भर वोट दूंगा मोदी को। खट्टर साहब, आपको अगली बार वोट नहीं है, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हमारे साथ। हम 2010 पीटीआई आज सड़कों के ऊपर है, और ये आज मेरे जो पीटीआई साथी हैं उनमें से मैं अगर आपको बताऊँ 50 साल के कितने हैं। अरे उनके बच्चे किसी का बीटेक कर रहा है, किसी की बेटी ब्याहने की हो रही है, और हमारे 36 पीटीआई तो भाई साहब मर चुके हैं। खट्टर साहब, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो। दुष्यंत चौटाला, तू यूथ है, तूने क्या कहा था इलेक्शन के अंदर कि मैं किसी का रोजगार नहीं जाने दूंगा। हरियाणा की नौकरियों के अंदर 75% नौकरियाँ हरियाणा की होंगी। ये आप क्या कर रहे हो? ये इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म तो औरंगजेब ने नहीं किया। आपने औरंगजेब की याद दिला दी हमें, लेकिन याद रखना खट्टर साहब, ये 2010 के पीटीआई साथी हैं। हमने बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए हैं। मैं स्वयं, मेरे खिलाए हुए नो, मेरा आदरणीय बड़ा भाई स्वर्गवासी हो चुका है राजवीर एयो कैथल, उस ग्राउंड में हमने काम किया उनके साथ मिलके। नो प्रो कबड्डी पाई के अंदर सिलेक्ट करने वाले ये पीटीआई। आप पता करना, कांगथली के अंदर रेखा मैडम है, विजय भाई की पत्नी, हैंडबॉल का इतना बड़ा नाम उस गाँव के अंदर, उस करोड़ों रुपये उन बच्चों को मिल चुके। नमस्कार सर, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सोनू कनवाड़ी, सुनील कुमार, पीटीआई। मैं, हमारी सबसे बड़ी एक समस्या आन पड़ी है परिवार की, जो 1983 पीटीआई हरियाणा सरकार ने हटा दिए। 1983 पीटीआई हरियाणा सरकार ने हटाए क्यों भाई? ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप इनको दोबारा नौकरी इनकी एग्ज़ाम लो। तो एग्ज़ाम तक हमें सरकार से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं, हमें जाने का मौका दो, और हमारी जो है आप सेवा को तो ऐसे रखो, क्योंकि उस ऑर्डर में कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि आप इनको हटा के भर्ती करो 5 महीने में। हमने सरकार से, हम मिले सब मंत्रियों के घर पे गए, एमपी एमएलए के घर पे गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली कि आप कागज का टुकड़ा ले आओ कहीं से भी, किसी भी न्यायालय का, हम आपको उसके तहत रखने का काम करेंगे। हम कागज का टुकड़ा लेके आए, उनके द्वार पे गए, उनके पास सारी चीज गई हाईकोर्ट के मामले से। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि क्या नाम है, हमारे विपक्ष में ही कागज दे दिया कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, 1983 पीटीआई को हटा दिया जाए। सर, हम एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इतने बड़े हैं जो मादा रखते हैं कि जो कहते हैं वो सच होना चाहिए, लेकिन कल कुछ बोला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने, और अपने बयान से पलट के हमारे खिलाफ उन्होंने हमें नौकरी से बिल्कुल हटा दिया। हाईकोर्ट में उन्होंने अपना मैटर दे दिया कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक बात कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब और पूरे संघ को और पूरी भाजपा को कि आपने हमें रोड पे तो ला दिया, हमारे आज 10 साल बाद हम कोई काम करने लायक नहीं है। हमें एक काम जो आप करवाना चाहते हो ना, वो हम रोड पे बिल्कुल आज आके मर चुके हैं, हमारा परिवार। कल को हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? गलत काम हम कर नहीं सकते क्योंकि हम शिक्षक थे, हमने अच्छे अच्छे बच्चे मेडल तैयार किए, बच्चे तैयार किए हमने, अच्छे अच्छे हमारे अच्छे अच्छे खेलों में बच्चे गए,
लेकिन आपने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। तो हम एक बात कहना चाहते हैं खट्टर साहब और पूरे हिंदुस्तान के संघ और भाजपा को कि हम एक महीने के बाद का टाइम देते हैं और सारे पीटीआई भाई मेरे साथ हैं और पूरे हरियाणा के साथ हैं। हम 1983 पीटीआई सारे के सारे धर्म परिवर्तन करेंगे और हमें चाहे इस देश से निकाला दे दो। हमें आपने मार दिया, भाजपा और संघ ने हमें मार दिया। हम आज इस भाजपा सरकार ने जो खट्टर सरकार ने हमारे साथ किया, क्योंकि अनिल विज अपनी बात पे कायम रहते हैं, खट्टर साहब अपनी बात पे कायम नहीं रहे। तो हम कहते हैं हमें मार तो दिया लेकिन हमें इस देश से निकाला दे दो। और हम किसी भी मुस्लिम बड़े धर्मगुरु से मिलके एक महीने के बाद का टाइम देंगे और धर्म परिवर्तन करेंगे। मानव के मुख्य तीन कर्तव्यों मानवता की सेवा, धर्म रक्षा व राष्ट्र रक्षा को मुख्यतः संकल्पित त्रिशक्ति न्यूज यूट्यूब चैनल को सत्य सृजनात्मक व समसामयिक खबरों के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें व घंटी वाला बटन दबाना न भूलें।